Oh,
कव्वाल की सभा कव्वालियों से होती है, कव्वाल की सभा कव्वालियों से होती है, गुलालाकार की सभा कलाकारियों से होती है, और दर्शकों की सभा उनकी तालियों से होती है, उनकी तालियों से होती है। धर्म करम मोर जात से गढ़िया, धर्म करम मोर जात से गढ़िया, जब तप तीरथ छाव मधुरी आशीष की दाई रे गुणिया। छत्तीसगढ़ महंतारी के कोरा में विराजमान अनेक देवी शक्तिपीठ का सुग्रह उन नवदा दुर्गा भवानी की जस वंदना, फिर उसके बाद माँ भवानी के एक लीला चरित्र का विस्तार से तो इन्हीं भावों के साथ छत्तीसगढ़ के अंगना नव दुर्गा के दर्शन पाबो आदि शक्ति महामाई अनेक रूपों में विराजमान होती हैं। आइए माँ भवानी के एक रूप जिसमें चंडी चामुंडा के नाम से विख्यात हुई, जो चंडी मुंडानों के साथ सुंदर ने सुंदर का वध करने के कारण इस लीला के कल्याण हुआ कैसे आना हुआ। हे गुरुदेव, हमें संसार में शक्तिशाली होने का उपाय बताइए।
जिससे हम दिलों में होके स्वामी बन जाए स्वामी हृदय तो तुम दोनों पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्रह्मदेव का कठोर तप करो कठोर तप करो वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है अतः कोई दूसरा वर
जो हमारा है वो किस संसार के स्वामी देते सुन के सुन है इसलिए यह स्वागत छोड़कर चले जाओ नहीं तो मरने के तैयार हो जाओ अरे दोस्तों तुम स्वर्ग ग्रहण करके रहते प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए युद्ध करो ये भाई सुन इसी तरह के खबर को सूचित कर दो अंदर चल मिला रख दो जो आपके सरकारों जो क्या अरे देखूं और सुन ये स्वर्ग हमारा है और यहां पर हम लोग राज करेंगे राज अरे सुंदरी ए मनोरी मदिरा का प्रबंध करो और यहां पर नाचिया करो नाचिया Oh,
हे देवी सत सत नमन है मां मां आप तो सर्वज्ञानी हैं हमारी भक्ति को दूर करें मां हमारी रक्षा करो मां हमारी रक्षा करो हे देवताओं आप सभी निर्भय रहे मैं अभी समरांगण विचरण करते हुए आप लोगों की कल्याण के लिए शुंभ निशुंभ सहित आदि दानाओं का वध करूंगी वध करूंगी सूरज बड़ो कर कितनी सुंदर यह देवी है हाँ भाई देखो देखो ये हमारे महाराज तुम सबसे बड़ी है चलो चलो महाराज के पास चलते हैं उनको यह सुंदर से सुनाते हैं शीघ्र चलो शीघ्र हाँ भाई शीघ्र चलो कामदेव को मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से आई हुई है महाराज और वह सभी लक्षणों में आप लोगों के लिए योग्य है महाराज योग्य है अच्छा अर्जुन चाहूं जाओ और उस सुंदरी को हमारे पास ले कर आओ यदि वह न माने तो उसी जो आपके सरकार जो आज्ञा असुर समय सपकी हे देवी तीनों लोगों के दीपनी सुन सुख तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम उन्हें अपना पति स्वीकार कर लो यह तुम्हारे हित में होगा सुंदरी यह तुम्हारे हित में होगा हे महाबली मैं राजा सुमनिषु दोनों को जानती हूँ उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है तथा महापराक्रमी और सुंदर है परंतु मैंने सखियों के साथ खेलते हुए प्रण ली है कि जो भी मुझे युद्ध में जीत लेगा उसी का मैं विरोध करूंगी इसलिए जाओ और आशीर्वाद से कह दो हे देवी तुम्हारे की जो साहस जो महाराज के आगे ग्रहण न कर रही हो बात मान जाओ अन्यथा अन्यथा हम सभी तुम्हारे केस को खींच के लिए महाराज के पास लेकर जाएंगे ये देखो यदि ऐसा है तो प्रयत्न करके देख लो अरे देखो क्या देख रहे हो रुक रहे हो Oh, 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 oh
सभी आए जितने भी हमारे साथ
Woo!